जयपुर के मोहाना थाना इलाके में एटीएम लूट से हड़कंप मच गया है। घटना सोमवार अल सुबह की है, जब अज्ञात बदमाशों ने धोलाई गांव में पिकअप और गैस कटर के जरिए एसबीआई बैंक का एटीएम काटा। इस दौरान बदमाश एटीएम में रखे कैश बॉक्स काट कर ले गए। आपको बता दें कि सुनसान जगह देखकर बदमाश एटीएम केबिन में दाखिल हुए, जिसके बाद बदमाशों ने सुरक्षा कर्मियों को बंधक बना लिया और एटीएम मशीन को गैस कटर से काटा, साथ ही पिकअप की सहायता से उखाड़ कर फरार हो गए। एटीएम में करीब 24 लाख रुपए की नकदी बताई जा रही है। वहीं सूचना मिलते ही बैंक अधिकारी और पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी ली। वहीं पुलिस ने इलाके में लगे तमाम सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले हैं। सीसीटीवी में चार बदमाशों के वारदात की तस्वीर कैद हो गई है। घटना के पीछे पुलिस ने किसी प्रोफेशनल गिरोह पर संदेह जताया है। फिलहाल पुलिस के साथ ही डीएसटी साउथ और सीएसटी टीम भी बदमाशों की तलाश में जुट गई है। ये मोहाना थाना इलाके की घटना है। रात को करीब 3-3:30 बजे के आसपास कुछ लोग आए और उन्होंने चौकीदार को डराया, धमकाया और उसके बाद एटीएम की जो मनी प्लेट जो होती है वो काट करके और ले गए। लगभग 23-24 लाख रुपए उसमें होना बता रहे हैं और बहुत छोटे स्पान में, बहुत छोटे समय में ये सारी घटना कारित हो गई और उसके बाद में कंट्रोल रूम के जरिए पुलिस को पता लगा। चौकीदार का ये कथन है कि उसको डराया गया, कोई उसको हथियार नुमा कोई चीज़ दिखाई गई और उसके साथ कोई बांधने की या कोई मारपीट की कोई बात सामने नहीं आई है, लेकिन उसको डर। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV News, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।